वहीं भिलाई जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह की अध्यक्षता में महिला कांग्रेस की बैठक सेक्टर 10 में संपन्न हुई। बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा करने के साथ शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला तक पहुंचाने निर्णय लिया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार से जुड़ रही हैं। इसी के तहत भिलाई जिला महिला कांग्रेस की बैठक जिला अध्यक्ष सुभद्रा सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित हुईं। अतिथियों के स्वागत पश्चात महिलाओं को रोजगार संबंधी रोजगार मूलक कार्यों पर चर्चा की गई, साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक महिला तक पहुंचाने निर्णय लिया गया। बैठक की जानकारी अध्यक्ष एवं पार्षद सुभद्रा सिंह ने दी। आज महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मैं यहाँ पे मीटिंग रखवाई हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हमारी जो फूलो देवी नेताम जी हैं, उनका कहना है कि बूथ स्तर पे अपने पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए आप सदस्य बनाइए करके, तो मैंने भिलाई नगर के तो सदस्य बना लिए, वैशाली नगर के भी आधे से अधिक बन चुके हैं। और उसी के तत्वाधान में हमारी जो प्रभारी मैडम है शारदा जी, वो राजनांदगांव से आ रही हैं, इधर से अपनी सरिता परघनियाँ आ रही हैं, और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। और आज का मीटिंग इसी उसमें रखा गया है और अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। मैडम, महिला कांग्रेस द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? आप तो देख ही रहे हैं, जब भी जितनी भी प्रतिष्ठित महिलाएं हैं उनका मैं हमेशा महिला दिवस के उपलक्ष्य पे उनका सम्मान करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। हमारे राहुल गांधी सोनिया गांधी जी भी यही चाह रही हैं कि इस बार अधिक महिलाओं को टिकट मिले, और निश्चित तौर पर महिलाओं को मिलेगा तो हमारा देश सशक्त बनेगा और निश्चित तौर पर जो कमियां है उसको दूर करके एक अच्छा समाज में हम अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे। मतलब महिलाओं को रोजगार से जोड़ने, उन्हें स्वावलंबी बनाने किस तरह पहल की? आप देख रहे हैं कि हमारे भूपेश बघेल जी आज महिलाओं को, जो गांव की महिलाएं हैं या शहर के हर क्षेत्र में, आप देखेंगे कि 2 रुपये किलो अभी 3 रुपये किलो गौमूत्र भी खरीद रहे हैं, गोबर बिक्री हो रहा है, तो निश्चित तौर पर महिलाएं जो गाँव में बिल्कुल नहीं कमा पाती थी वो अब कम से कम इससे थोड़ा सा समृद्ध हो रही हैं। और निश्चित तौर पर आप देखेंगे महिला समूह के द्वारा भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर हमारे मुखिया का बहुत सराहनीय कार्य है और आगे भी होता रहेगा। गौरतलब है कि भिलाई जिला महिला कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुरूप महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है, जिसके लिए कार्य योजना के अनुरूप महिला कांग्रेस द्वारा कार्य किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।